हाँ जी सिस्टर जी, और सर बताओ क्या बात हुई आपके साथ? पहले एक जना तेजपाल जी आप बताओ। हम 8 बजे ड्यूटी में आए पोस्ट प्रोडक्शन में, तो उनके मरीज हमारी स्टाफ रूम में थे, तो उन्होंने और पेशेंट के साथ भी 8-10 थे, 14 नंबर बेड कृष्णा नाम से पेशेंट है, उनके साथ 8-10 लोग थे, तो उन्होंने मना किया हमने, तो वो वहाँ से नहीं गए। बाद में हमने 4-5 बार कहा कि आप अब भी सुबह दिया था, आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी हमारे रेजिडेंट सर यहाँ रेस्ट करेंगे थोड़ी देर, तो आप यहाँ से बाहर चलो, तो उन्होंने बाद में गाल गलौज की और मारपीट की। आपके कोई चोट आई शरीर पे? यहाँ हाथ पे गड़ा भी दबाया। कौन थे लोग? कौन थे वो? परिजन के साथ थे और 3-4 कांस्टेबल थे। 3-4 कांस्टेबल थे, मरीज के परिजन के साथ थे। और मरीजन 5-10 साथ थे। आपके साथ हाथापाई की गई, मारपीट की और मोबाइल छीना गया। आपके साथ और कौन थे सिस्टर? सिस्टर जी एक मिनट बताइए क्या बात हुई? ड्यूटी में हम दो स्टाफ हैं, वहाँ पे 14 नंबर बेड पे जो एस पी सर है ना मदर बैठते हैं, तो मॉर्निंग में तो हमारे इंचार्ज साहब ने कह दिया कि ये रूम है नहीं सर, आप थोड़ा भैया में ठीक है। तो नाइट में मैंने बोला कि भैया मॉर्निंग में तो आप लोगों ने रेस्ट कर लिया, यहाँ पे दो रूम बना रखे, एक तो रेजिडेंट का, एक नर्सिंग स्टाफ का है, तो नर्सिंग स्टाफ का जो रूम है उसी में हेड वॉश वगैरह की सारी सुविधा है। तो हमने बोला नहीं तो मेरे को बोल रहा है कि तेरी औकात क्या है कि तू मेरा रूम खाली कराएगी? एस पी सर से बात हो रही है, सुपरिटेंडेंट सर एस पी सर से बात करेंगे तभी मैं खाली कर दूंगा। फिर दोबारा हम हैंड वॉश करने गए, तब बोल रहे कि बार बार हम लोग क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं। फिर उसके एस पी सर की पता नहीं, वो तो बता रहे थे कि बेटे बहू हैं, वो दोनों आपत्तिजनक में स्थिति में सो रहे थे। पहले मैं गई थी हैंड वॉश करने के, तब फिर बोल रहे कि आप मेरे को बोल रहे हैं कि तू इसको बार बार क्यों भेज रही है, उसको बार बार रिपोर्ट बनाने के लिए। तेजपाल जी के पास मैंने फोन किया, तेजपाल जी को एक नया पेशेंट आया था उसके ट्रीटमेंट से संबंधित, मैंने इसके पास फोन किया, तब तेजपाल जी मुझे, मैंने सोचा तेजपाल जी चाय वाय पी रहे होंगे, तो बोले कि सुमन जी मैं आ रहा हूँ एडवेस्ट करके। तो ऐसे वो फोन पे बात कर रहे, तो बात करते करते कोई क्लिक हो गया होगा, तब वो बोल रहे कि इसकी फोटो ले रहा है तेजपाल, ये फोटो ले रहा है, तो इसको तेजपाल जी को वहीं से घसीटते हुए आईसीयू में लेके आए। तब फिर मैंने 20 बजे में आई, तब मेरे को बोल रहा है कि मेरे को पुलिस कॉन्स्टेबल थी उसने धक्का दे दिया, बाढ़ खींच ली और मेरी चूड़ियाँ तोड़ दी। तब मेरे को बोल रही कि तेरा बॉयफ्रेंड है क्या, तेरा पति है क्या, तेरा बेटा है कि तू इसका पक्ष क्यों ले रही है इतना ज़्यादा? मैंने बोला मेरे साथ नाइट ड्यूटी कर, मेरे साथ ड्यूटी है तो मैं तो पक्ष नहीं लूँगी क्या ड्यूटी स्टाफ की? तो तब बोल रही है कि तेरे को पता नहीं चल जाएगा एस पी सर साहब क्या होता है, तो एस पी से बदतमीजी कर रही है, मैं एस पी के रिश्तेदार है तेरे को, एस पी तू यहाँ पे क्यों आती है, ऐसे वैसे पता नहीं क्या क्या बोला, बदतमीजी करी इतनी ज़्यादा चूड़ियाँ तोड़ दी। और तेजपाल जी को तो 50 लोग पता नहीं कहाँ से आ गए, वो उनको नीचे से दबा के लातों से गुस्सों से मारा। फिर मैंने 20 बजे में मेरे को धक्का दिया, बाढ़ खींच के फिर मैं दीवार पर, मेरे सिर जाके लगे, मेरी चूड़ियाँ टूट गई। अब अपनी प्रशासन से क्या मांगे सिस्टर? प्रशासन से मांगे कोई दुकान कार्रवाई होनी चाहिए उनके खिलाफ में, नहीं 12-12 घंटे ड्यूटी करते हैं फिर कोई सेफ है ही नहीं, फिर फायदा क्या है हमारा ड्यूटी करने का? नर्सिंग स्टाफ की सुरक्षा भी होनी चाहिए, और जो लोग धमकी दे रहे हैं उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई होनी चाहिए।